दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम लोग आ गए हैं यहाँ पे फोडार मोटर्स के रियल वैल्यू में, आप देख सकते हो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। आज हम लोग यहाँ पर आपके लिए आए हैं वीडियो फिर से बनाने, क्योंकि बहुत सारे भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया आपने इतनी गाड़ी दिखाई और भी गाड़ियों के स्टॉक दिखाइए हमें। तो आज हम लोग फिर से अभी आपके लिए वीडियो बनाएंगे जिसमें 6-7 गाड़ियों को कवर करेंगे। तो अभी एक एक करके सारी गाड़ियों का हम लोग डिटेल लेंगे भैया से, और आज हमें गाड़ी की डिटेल देंगे पंकज जी। तो चलिए पंकज जी से बात करते हैं हर एक गाड़ी के बारे में कि कौन सी गाड़ी कितनी चली हुई है, कौन से साल की गाड़ी है और हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे उस गाड़ी को अपना बनाने के लिए। हाँ जी भैया, तो इस वाले गाड़ी के बारे में आप बताइए। ये 2012 की मॉडल है, ठीक है, वैगनर VXI। ओके, 41,000 चली हुई है। हाँ जी, इसका प्राइस हमारे यहाँ है 2,75,000। 2,75,000 प्राइस है, 2012 की मॉडल है, VXI है। और आप देख सकते हो, बाकी मैं बाहर से अगर गाड़ी को दिखाऊँ तो आप देखिएगा तो कहीं भी स्क्रैचेस नहीं पड़े हुए हैं। और अगर टायर की बात करें तो टायर भी देख सकते हो, कंडीशन आपको पता लग रही होगी। और ये आप किलोमीटर कितना बताया अभी आप? 41,000 किलोमीटर चली हुई है। चलिए एक बार बैक प्रोफाइल दिखाता हूँ मैं आपको, तो आप पीछे से भी देख सकते हैं गाड़ी में कहीं भी दाग धब्बे या स्क्रैचेस नहीं है। और अगर आप बात करें मैं इंटीरियर की, तो चलिए मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ इस गाड़ी का। तो इंटीरियर में आपको पावर विंडो मिल रहा है, गौर से अगर आप देखोगे तो डैशबोर्ड पे भी कोई मुझे तो दाग धब्बे नहीं दिख रहे हैं। कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम है। स्टेयरिंग की बात करें तो आप देख सकते हो स्टेयरिंग पे स्टेयरिंग गार्ड लगी हुई है। पीछे अगर आप देखोगे तो सीट तो बढ़िया कंडीशन में है। तो भैया ये 2012 की गाड़ी है, वैगन आर VXI, 2,75 आपने रेट रखा है, उसमें थोड़ा बहुत कम हो जाएगा ना? एकदम जरूर होगा, थोड़ा बहुत कम भी हो जाएगा जैसा कि भैया ने बताया। तो आप आइए इस गाड़ी को लेकर जाइए, 2,75,000 रुपये में थोड़ा बहुत भैया रिगार्ड कर देंगे। तो ये बात है भाई वैगन आर VXI की। तो चलिए अगली गाड़ी की बात करते हैं भैया, तो इस वाले गाड़ी के बारे में आप बताइए। ये 2012 की मॉडल है, ठीक है, इसका प्राइस 1,85,000। ठीक है भैया, 72,000 चली हुई गाड़ी है, बहुत अच्छी है, 72,000। ओके, VXI है ये, VXI मॉडल। हाँ जी, तो VXI है ये मॉडल। आप देख लीजिए गाड़ी की कंडीशन में आपको अगर दिखाऊँ तो आप स्टैंडिंग देख सकते हो गाड़ी का। टायर की अगर बात करें तो टायर आप देख लीजिए एक बार, कंडीशन वाइज बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। साइड प्रोफाइल अगर आप देखोगे राइट हैंड साइड से तो मुझे स्क्रैचेस नहीं दिख रहे हैं, स्क्रैचलेस ही है ये गाड़ी। और पीछे से अगर आप देखोगे तो पीछे भी कोई स्क्रैच नहीं है। तो आइए एक बार मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ इस गाड़ी का। तो अगर आप इंटीरियर देखोगे तो आपको पावर विंडो मिल रहा है, स्टेयरिंग पे स्टेयरिंग गार्ड लगी हुई है। बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हो थोड़ी वुडन फिनिशिंग भी है। और भैया एसी वगैरह सब कुछ वर्किंग कंडीशन में है ना? सब वर्किंग। हाँ जी, तो सारा कुछ वर्किंग कंडीशन में। अगर सीट की बात करें तो आप देख सकते हो सीट भी फटे चिटे नहीं है। तो गाड़ी को मैंने अंदर से दिखा दिया, गाड़ी को बाहर से भी दिखा दिया, बाकी भैया ने डिटेल दे ही दिया गाड़ी का। और भैया उसमें कम होगा ना? हाँ, इसमें भी कम होगी। हाँ जी, तो उसमें भी आपका कम हो जाएगा। तो भैया ने रेट बताया 1,85,000, उसमें थोड़ा बहुत आप कम करा लेना। गाड़ी की कंडीशन मैंने दिखाई थी जो कि बहुत अच्छी है। तो ये बात है हमारी अल्टो केटन की। तो चलिए अगली गाड़ी की बात करते हैं, वाले गाड़ी के बारे में आप बताइए। ये 2012 की मॉडल स्कॉर्पियो है, ठीक है। कितनी किलोमीटर चली हुई है भैया ये? चली हुई है 75,000 किलोमीटर। 75,000 किलोमीटर चला हुआ है। और भैया ये पेट्रोल है या डीजल है? ये डीजल गाड़ी है। अच्छा, ये डीजल गाड़ी है। तो 2012 की गाड़ी है, 75,000 किलोमीटर चला हुआ है और डीजल गाड़ी है ये। बाकी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर से इसका फिजिकल ओवरव्यू, तो आप देख सकते हो। टायर की अगर बात करें तो टायर आप देख सकते हो यहाँ पे जेके टायर की डली हुई है। और भैया अभी एकदम ही अच्छी कंडीशन में है कार। हाँ जी, एकदम न्यू कंडीशन में। हाँ जी, टायर एकदम न्यू कंडीशन में। बाकी एक बार गाड़ी को आप देख लीजिए तो इधर कोई स्क्रैच नहीं है। चलिए आपको मैं राइट हैंड साइड से दिखाता हूँ गाड़ी को। तो अगर राइट हैंड साइड से अगर गाड़ी को देखोगे आप तो इधर से भी गाड़ी स्क्रैचलेस पीस है। और चलिए एक बार इंटीरियर दिखाता हूँ मैं गाड़ी का। तो अगर आप इंटीरियर देखोगे गाड़ी का तो मुझे तो दाग धब्बे नहीं दिख रहे हैं, बाकी थोड़ी सी लाइटिंग प्रॉब्लम है तो मे बी आपको कुछ कम समझ में आए। और आप देख सकते हो सीट भी फटे चिटे नहीं है जैसा मुझे दिख रहा है, मे बी कैमरा में नहीं समझ रहा हो। तो भैया मैंने इस गाड़ी का फिजिकल ओवरव्यू दिखा दिया, इंटीरियर भी दिखा दिया, प्राइस क्या रखा है भैया आपने? 5,15,000। 5,15,000, वो भी नेगोशिएट होगा ना? हाँ जी, तो नेगोशिएट भी हो जाएगा प्राइस। तो ये 2012 की स्कॉर्पियो डीजल वेरियंट में 75,000 किलोमीटर चला हुआ है। भैया ने रेट बता ही दिया, थोड़ा बहुत आप आकर कम करा लेना, जरूर से रिकॉर्ड रखेंगे भैया। तो ये बात है हमारे स्कॉर्पियो की। तो चलिए अगली गाड़ी की बात करते हैं। हाँ जी भैया, तो इस वाले गाड़ी के बारे में आप बताइए। ये फोर्ड फिगो है, ठीक है भैया, 2010 की मॉडल है। ओके, और भैया किलोमीटर कितनी चली हुई है ये? ये चली हुई 62,000 किलोमीटर चला। और भैया ये पेट्रोल है या डीजल है? ये डीजल वेरिएंट। अच्छा, डीजल वेरिएंट है। तो 2010 की गाड़ी है, 62,000 किलोमीटर चला हुआ डीजल वेरिएंट में ये कार है, फोर्ड की फिगो है। बाकी चलिए मैं आपको फिजिकल ओवरव्यू दिखाता हूं इस गाड़ी का। तो आप देख सकते हो गाड़ी में आपको अगर कहीं भी स्क्रैच दिख रहा हो तो आप कमेंट करें, क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा है। टायर की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं टायर भी अच्छे कंडीशन में है। अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊं गाड़ी को तो आपको, चलिए मैं पीछे का लुक देता हूं।
तो आप पीछे से भी देख सकते हो गाड़ी स्पेशलेस पीस है। और चलिए एक बार मैं इंटीरियर दिखाता हूँ आपको गाड़ी का। तो अगर आप इंटीरियर देखोगे गाड़ी का तो आप देख सकते हो यहाँ पे पावर विंडो मिल रहा है, फ्रंट के दोनों विंडो पावर है, आपको मिरर एडजस्टर मिल रहा है। अगर बात करें यहाँ पे गाड़ी के अंदर से देखने की तो आप देख सकते हो कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम है, एसी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। और अगर पीछे भी आप देखोगे तो सीट फटे चिटे नहीं है, सीट अच्छी कंडीशन में है। तो भैया मैंने गाड़ी का इंटीरियर दिखा दिया, बाहर से भी दिखा दिया, फीचर्स आपने बता ही दिए, प्राइस क्या रखा है भैया आपने? 2,25,000 की। 2,25,000, वो भी उसमें भी कम ज़्यादा होगा ना थोड़ा? कम हो जाएगा। तो कम हो ही जाएगा उसमें तो 2,25,000 भैया ने रेट बताया। फोर्ड की फिगो गाड़ी बहुत अच्छी है, अगर छोटी फैमिली है तो आप लेकर जा सकते हो इस गाड़ी को। 2,25,000 रेट रखा है भैया ने, कम करा लेना थोड़ा। तो ये बात है फोर्ड फिगो की। चलिए अगली गाड़ी की बात करते हैं, इस वाले गाड़ी के बारे में आप बताइए। ये वैगनर VXI मॉडल 2013 की है। ठीक है, किलोमीटर क्या चली हुई है भैया? ये 65,000 चली हुई है। 65,000 किलोमीटर चली हुई है और 2013 की गाड़ी है ये। 2013 की गाड़ी है, सिल्वर कलर की ये वैगन आर खड़ी है, VXI है, पेट्रोल वेरिएंट में। कंडीशन एक बार आप देख लीजिए, मैं अगर वॉक अराउंड कर आपको तो आप देख सकते हैं गाड़ी में कहीं भी स्क्रैचेस नहीं है। और बाकी भैया ने डिटेल दे ही दिया है। टायर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हो टायर में भी कहीं पर भी कोई मतलब कमी नहीं है। और चलिए एक बार इंटीरियर दिखाता हूँ मैं इस गाड़ी का। तो अगर आप इंटीरियर देखोगे तो आपको पावर विंडो मिलेगा, आप देखोगे यहाँ पे तो डैशबोर्ड नीट एंड क्लीन है, आपको यहाँ पे कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है, स्टेयरिंग पे स्टेयरिंग गार्ड लगी हुई है, सीट की अगर बात करें तो सीट बची हुई है, फटे चिटे नहीं है। और एक बार मैं आपको बैक प्रोफाइल दिखाता हूँ इस गाड़ी का। तो पीछे से भी आप देख लीजिए तो गाड़ी कुछ इस तरह की दिख रही है पीछे से। और अगर राइट हैंड साइड से अगर बात करें तो आप देख सकते हो इधर से भी गाड़ी में मुझे स्क्रैचेस नहीं दिख रहे हैं, थोड़े बहुत यहाँ पे है, तो सेकंड हैंड में आपको उतना कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। आपने प्राइस क्या रखा है इस गाड़ी का? इसका प्राइस बहुत ही कम है, 2,90,000 की। 2,90,000 और उसमें थोड़ा बहुत कम भी होगा? हाँ, उसमें भी कुछ कम। हाँ जी, तो हर एक गाड़ी में भैया बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत आपका वो रिगार्ड रखेंगे, 2,90,000 रेट है तो उसमें भैया थोड़ा बहुत कम कर देंगे। तो ये वाली आप वैगनर जो कि 2013 की है आप लेकर जा सकते हो 2,90,000 रुपये में आप लेकर जा सकते हो, थोड़ा बहुत आप कम करा लेना। तो ये बात है हमारे वैगनर VXI की। तो चलिए अगली गाड़ी की बात करते हैं, इस वाले गाड़ी के बारे में आप बताइए। मारुति कंपनी की रीड्स मॉडल है 2009 की। हाँ, किलोमीटर कितनी चली हुई है अभी? ये 78,000 चली हुई है। 78,000 किलोमीटर चली हुई है, तो 2009 की रिड्स खड़ी हुई है यहाँ पे मरून कलर में, 78,000 किलोमीटर चला हुआ है। ये पेट्रोल है क्या? ये पेट्रोल वेरिएंट। ओके, पेट्रोल वेरिएंट है। तो ये मारुति सुजुकी की जो आप रिड्स देख रहे हो ये 2009 की गाड़ी है, 75,000 किलोमीटर चला हुआ है। वॉक अराउंड अगर मैं आपको कराऊँ तो आप देख सकते हो गाड़ी में स्क्रैचेस नहीं पड़े हुए हैं। और अगर बात करें हम लोग इधर से पीछे देखने की तो आप पीछे से भी देख सकते हो गाड़ी कुछ इस तरह की दिख रही है। और चलिए आपको राइट हैंड साइड से दिखाता मैं गाड़ी को, तो आप इधर से भी देख सकते हो गाड़ी में कुछ स्क्रैचेस नहीं है। और चलिए एक बार इंटीरियर दिखाता हूँ मैं आपको। तो अगर आप इंटीरियर देखोगे तो यहाँ पे आपको पावर विंडो मिलेगा। बात करें अगर हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड की तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिख रहा है। पीछे वाली सीट की अगर बात करें तो आप देख सकते हो पीछे भी सीट फटे चिटे नहीं है, स्टेयरिंग आप देख सकते हो कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो भैया मैंने फीचर्स बता दिए अंदर में जो भी है, बाकी आपने डिटेल दे ही दिया है, वॉक अराउंड भी करा दिया, आपने रखा दिया इसका? इसका प्राइस 2,25,000। 2,25,000, तो अगर कोई 2,25,000 लेकर आएगा तो लेकर जा सकता है भैया? तो 2,25,000 में आपको ये रिड्स मिल जाएगा जो कि मुझे तो काफ़ी अच्छी डील लग रही है। तो आप इस गाड़ी को 2,25,000 रुपये में लेकर जा सकते हो, थोड़ा बहुत आप आकर कम करा लेना भैया से, वो ज़रूर से कम करेंगे। तो ये बात है मैं मारुति सुजुकी की रिड्स की। तो चलिए बात करते हैं आज की आखिरी गाड़ी के बारे में जी भैया। तो इस वाले गाड़ी के बारे में आप बताइए। ये 2013 की मॉडल XUV है। ठीक है भैया, W8। ओके, 2013 2013 की मॉडल W8 मॉडल में ये गाड़ी खड़ी है, XUV 500। किलोमीटर कितनी चली हुई है भैया? 73,000 किलोमीटर चली है। और भैया ये पेट्रोल है या डीजल है? ये डीजल गाड़ी है। अच्छा, ये डीजल गाड़ी है। तो 2013 की गाड़ी है, 75,000 किलोमीटर चला हुआ है, W8 मॉडल है। आप देख सकते हो टायर वगैरह अच्छी कंडीशन में है। और भैया सामने से भी गाड़ी बहुत प्यारी दिख रही है, तो गाड़ी कंडीशन वाइज बहुत अच्छी है। अगर मैं साइड से अगर आप गाड़ी को दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइड मिरर पे आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, साइड से आप देख सकते हो गाड़ी को, मुझे स्क्रैचेस नहीं दिख रहे हैं। और चलिए एक बार पीछे से दिखाता मैं आप गाड़ी को, आप पीछे से भी देख सकते हो, इस गाड़ी को, गाड़ी की स्टैंडिंग बहुत अच्छी है। और अगर बात करें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से तो इधर से भी आप देख लीजिए गाड़ी को, तो गाड़ी कुछ इस तरह की दिख रही है। और चलिए एक बार इंटीरियर दिखाता मैं आपको। तो अगर आप इंटीरियर देखोगे तो XUV की इंटीरियर काफ़ी डिफरेंट दिखती है मतलब बाकी के गाड़ियों से। अगर बात करें यहाँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड है। अगर बात करें स्टेयरिंग पे तो स्टेयरिंग पे कुछ कंट्रोल्स मिलेंगे आपको, और यहाँ पे स्टेयरिंग गार्ड भी लगा हुआ है जिसपे स्टिचिंग की हुई है।
बात करें यहाँ पे तो देख सकते हैं यहाँ पे हैंडरेस्ट लगा हुआ है। तो भैया आपने रेट क्या रखा है इस गाड़ी का? इसका 7,75,000। 7,75,000 और उसमें नेगोशिएट होगा ना? जरूर होगा। हाँ जी, तो नेगोशिएट भी हो जाएगा तो CV500 लेकर जा सकते हो 7,75,000 रुपये में। थोड़ा बहुत आप कम करा लेना। तो ये थी हमारी आज की आखिरी गाड़ी। और भैया अगर किसी को गाड़ी लेना होगा तो उसके लिए एड्रेस जानना बहुत ज़रूरी है, तो एड्रेस बता दीजिए भैया एक बार। ये हमारा रांची में है, झारखंड की राजधानी रांची में, कोकर चौक के जस्ट बगल में ही हमारे। कोकर चौक पे आकर अगर कोई कॉल करे तो वहाँ से तो भैया आप रिसीव कर सकते हो? हाँ जरूर जरूर, जस्ट कोकर चौक से हम 100 कदम की दूरी पर है हमारा। ठीक है, तो जब आप कोकर चौक से कांटा टोली की ओर बढ़ोगे तो 100 कदम पे यहाँ पे आपको ये शोरूम मिल जाएगा, है ना भैया? तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से इंक्वायरी दिया है। थैंक यू दोस्तों। तो कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आज बहुत मेहनत लगी हमें इस वीडियो को बनाने में। बारिश बार बार आ रही थी, उस हिसाब से हमें गाड़ी अरेंज करके वीडियो बनाना पड़ रहा था। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करना, और अगर एड्रेस और फ़ोन नंबर की बात करें तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लेना आप। तो बस यार आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।